गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 की बुक है काउंटडाउन, उसका चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1। सेट्स, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबलर फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेट क्या होता है, उसके बाद टेबलर फॉर्म। चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सेट, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट्स। इन अदर वर्ड्स, अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ अ सेट। सेट क्या होता है? सेट को एक करली ब्रैकेट से हम शो करते हैं। करली ब्रैकेट, ये देखें, ये करली ब्रैकेट्स हैं, इसको इस तरह क्लोज करते हैं। इसमें हम सेट में हम रियल नंबर्स लिख सकते हैं, होल नंबर लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। इसके अलावा हम वोवल्स लिख सकते हैं, वोवल्स के अलावा हम अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, जिसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं और वो हमारा एक सेट कहलाएगा। यहाँ देखें, मैंने एक सेट बनाया है, सेट ऑफ नेम ऑफ 3 बॉयज। ए इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट अली अहमद बिलाल। ये देखें, बॉयज़ के नेम का एक सेट बनाया है मैंने। इसके अलावा आप गर्ल्स के नेम का सेट बना सकते हैं, आमना, फातिमा, कल्सूम, कुछ भी हम नाम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबलर फॉर्म। टेबलर फॉर्म क्या होती है? अ सेट कैन बी डिस्क्राइब इन टू टेबलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सेट को हम टेबलर फॉर्म में लिख सकते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट्स का सेट बनाया है, स्मॉल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 6। यहाँ आपने वो नंबर लिखने हैं जो लेस देन 6 हों। तो लेस देन 6 कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि 6 हमारे पास है, लेस देन 6 लिखना है, इसलिए 0 से 5 तक हम नंबर्स को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ लेस देन 15। 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो लेस देन हमारे पास 15 हो। तो लेस देन 15 क्या होंगे? 3, 6, 9, 12। ये 3 के मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। आपने वो नंबर्स लिखने हैं, ऑड नंबर लिखने हैं, जो 4 और 12 के दरमियान में हों। तो वो नंबर्स क्या होंगे? 5, 7, 9, 11 एंड करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। आपने यहाँ वो नंबर्स लिखने हैं, प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 20 हो। तो लेस देन 20 कौन सा प्राइम नंबर है? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7, 11, 13, 17 और 19। ये हमारे पास प्राइम नंबर का एक सेट है जो लेस देन 20 है। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आपने यहाँ एक सेट बनाना है जो वोवल्स का हो। वोवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये एक वोवल्स का मैंने एक सेट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें ए पार्ट है, बी है, सी है, डी है और ई पार्ट है। ये मैं आपको सोल्व करवाती हूँ। बिल्डर फॉर्म, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बिल्डर फॉर्म कहती है। अ सेट कैन बी डिस्क्राइब इन टू सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, एक्स इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज द सेट ऑफ क्लास 8। इन डोर्स को, टू डोर्स को हम पढ़ेंगे सच डैट। वी कैन रीड इट एज एन इज अ सेट ऑफ एक्स, एन इज द सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 2 हम अपना स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग
सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म 4, 6, 8, 10। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे? x और x is an इवन नंबर्स, 3 less than x less than 11। ये देखें, यहाँ 4 से 3 जो छोटा है और 10 से जो 11 है वो बड़ा है। अब नेक्स्ट है 12, 18, 24, 30। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? x is equal to 6 n, यहाँ n पे आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो मल्टीप्लाई 6 से होगी और यही वैल्यू बनेगी। सपोज करें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो 12 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर n की जगह मैं 3 लिखती हूँ तो 18 बनेगा। इसी तरह ये मल्टीपल्स होते हैं। कोमा, x बिलोंग्स टू n और x लेस देन एंड इक्वल n, लेस देन एंड इक्वल 5। नेक्स्ट है हमारे पास 2, 3, 5, 7। ये एक प्राइम नंबर का एक सेट है। x और x इज अ प्राइम नंबर्स, लेस देन 10। ये देखिए एक प्राइम नंबर का एक सेट है जो लेस देन है 10 से। नेक्स्ट है ए बी सी डी ई एक का एक सेट है। इसे किस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे? एक्स और एक्स इज एन अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश बिफोर एफ, क्योंकि ये देखें ए बी सी डी ई, ई तक ये लिखे गए हैं बिफोर एफ, क्योंकि एफ से पहले ये एलिमेंट्स आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इसके बाद हमारे पास एक सेट है 0, 1, 2, 3, 4। तो इसे किस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे? एक्स और एक्स रिलेटेड टू डब्ल्यू होल नंबर, एक्स लेस देन 5। ये देखिए 0 से 4 तक है और ये लेस देन 5 है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कल हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।